हेलो व्यूअर्स, विश्रम ब्लॉग से जुड़े ट्रैवलिंग और फोटोग्राफी रिलेटेड वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कीजिएगा, इससे आपको चैनल से जुड़े वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। हेलो व्यूअर्स, विश्रम ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। मैं देवाशीष और आज मैं आप लोगों के साथ जो चीज डिस्कस करने वाला हूँ वो है कैमरे का फोटोग्राफी में थर्ड पिलर एक्सपोजर ट्रायंगल का आईएसओ। इससे पहले वीडियो में मैं ऑलरेडी शटर स्पीड के बारे में और अपर्चर के बारे में डिस्कस कर चुका हूँ। आज आप लोगों के साथ आईएसओ के बारे में डिस्कस करूंगा। क्या है आईएसओ और इसका क्या इंपॉर्टेंस है फोटोग्राफी में, ये चीज मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, आईएसओ का मतलब है आपका कैमरे का सेंसर लाइट की तरफ कितना सेंसिटिव है, ज्यादा सेंसिटिव है या कम सेंसिटिव है, ये सेंसिटिविटी को बोलते हैं आईएसओ। मतलब आपका कैमरे का सेंसर ज्यादा लाइट को कैप्चर करेगा या कम लाइट को कैप्चर करेगा, सेंसिटिव ज्यादा होगा या कम होगा, ये डिफाइन करेगा आईएसओ का नंबर। ये नंबर के हिसाब से मेजर होता है। नॉर्मली आज का जो कैमरा है, निकॉन, कैनोन या सोनी, किसी का भी, ये इसका आईएसओ मिनिमम 50 और 100 से स्टार्ट होता है और मैक्सिमम 25,600 तक जाता है, इसके ऊपर भी जाता है जिस तरीके का कैमरा आप लोग यूज करेंगे। तो आईएसओ आप मिनिमम से जितना धीरे धीरे बढ़ाएंगे, सपोज 100 से लेकर, जैसे मेरा ये कैमरा अभी मैं शूट कर रहा हूँ, ये निकॉन का DSLR D5600 है और इसमें मैं आईएसओ 100 पे शूट कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैं जहाँ पे शूट कर रहा हूँ इस यहाँ पे लाइट बहुत ज्यादा है। मतलब कैमरे का जो ऑब्जेक्ट है जो कि मैं, ये प्रॉपरली एक्सपोज है। मतलब पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट अगर प्रॉपरली लाइट के अंदर है तो वहां पे आप लोगों को आईएसओ को मिनिमम रखना है। मतलब ज्यादा लाइट मतलब कम आईएसओ। अगर ज्यादा लाइट में आप आईएसओ को बढ़ाएंगे तो वहां पे आपका पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के ऊपर ग्रेन्स आने के संभावना है, मतलब हेजीनेस आएगा पिक्चर या वीडियो में। और आईएसओ को आप कब ज्यादा बढ़ाएंगे, अगर ड्यू लाइट कंडीशन में आप काम कर रहे हैं, पिक्चर ले रहे हैं और आसमान में, अगर बारिश का मौसम में, मानसून सीजन में जब आप फोटो खींच रहे हैं और वीडियो ले रहे हैं जहाँ पे लाइट बहुत कम है, एक कैमरे का जो ऑब्जेक्ट का जो एक्सपोजर है वो ठीक तरीके से नहीं आ रहा है, वहां पे आप लोगों को आईएसओ को बढ़ाना है धीरे धीरे। और आईएसओ को बढ़ाने के बाद अगर पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का एक्सपोजर ठीक तरीके से नहीं आया तो वहां पे आप लोगों को शटर स्पीड को भी बढ़ाना पड़ेगा। मतलब अगर आईएसओ को आप धीरे धीरे बढ़ाएंगे उसके साथ शटर स्पीड को भी बढ़ाना पड़ेगा, उसके साथ अगर आईएसओ के साथ आप एपर्चर का रिलेशन देखेंगे तो आईएसओ को बढ़ाने के बाद एपर्चर का जो एफ स्टॉप नंबर है उसको भी धीरे धीरे बढ़ाना पड़ेगा लाइट को एडजस्ट करने के लिए। अब जैसे कि ये पर्टिकुलर पिक्चर में आप देख रहे हैं, दो साइड बाय साइड पिक्चर है, एक में आईएसओ है 100 और दूसरे में आईएसओ है 5000। 100 में तो क्लियर पिक्चर आ गया है, कोई ग्रेन नहीं है, प्रॉपर इमेज, और दूसरे में जो 5000 आईएसओ है उसमें ग्रेन्स आ गया है। इसलिए तो ये चीज आप ख्याल मतलब ध्यान में रखिए, जो आईएसओ मिनिमम आईएसओ में प्रॉपर एक्सपोजर जब आप लोगों को मिल रहा है, प्रॉपर लाइट है, तो आईएसओ को मिनिमम रखना है। और आईएसओ को कब बढ़ाएंगे, जब आप लोग थोड़ा कम ड्यू लाइट कंडीशन में काम कर रहे हैं, जहां पे लाइट कम है वहां पे आप आईएसओ को बढ़ा सकते हैं धीरे धीरे। तो ये हो गया फोटोग्राफी ट्रायंगल का थर्ड एक्सपोजर, थर्ड पिलर, वो है आईएसओ। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं और चैनल के साथ जुड़े रहिए। मैं इसी तरीके का फोटोग्राफी और ट्रैवलिंग रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा।
थैंक यू, धन्यवाद।